हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, कोरोना की वैक्सीन मुफ्त बांटने और बिहार में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। बीजेपी के मुफ्त कोरोना वैक्सीन दिए जाने के वादे पर राहुल गांधी का तंज, कहा वैक्सीन के लिए लोग देखें चुनावी शेड्यूल। दुर्गा षष्ठी से पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव का बिगुल फूंका, मोदी ने दुर्गा पूजा में कहा बंगाल ने देश को हमेशा रास्ता दिखाया, महापुरुषों ने शस्त्र शास्त्र से सेवा की। डिजिटल माध्यम से पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में की शक्ति पूजा, मोदी बोले आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बंगाल की धरती से ही पूरा होगा। बिहार में कल से पीएम मोदी का चुनावी अभियान, सासाराम में होगी पीएम मोदी की पहली रैली, रैली में कोरोना के सभी एहतियात बरतने के इंतजाम। बीजेपी पे हमलावर तेजस्वी बोले बिहार में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं, इसलिए निर्मला सीतारमण को भेजा गया, निर्मला बताए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा, सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने उम्मीदवारों के खर्चों का ब्यौरा मांगा। बिहार चुनाव में कोरोना का संकट, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमित हुए, पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं सुशील मोदी, कल शहनवाज हुसैन भी कोरोना संक्रमित हुए थे। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल बोले कृषि कानून के खिलाफ अमरिंदर सरकार ने बिल लाकर केंद्र के कानून को स्वीकार कर लिया है, बिल में एमएसपी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का सीएम अमरिंदर सिंह पर हमला, बोले कृषि कानून के खिलाफ बिल पास करके पंजाब सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है। कृषि बिल को लेकर हरियाणा के किसानों में भारी नाराजगी, जींद में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, 300 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ सड़क पर किसानों का प्रदर्शन। पंजाब में कृषि कानून से नाराज चल रहे किसानों के आंदोलन पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा ये किसानों का नहीं बिचौलियों का आंदोलन है। महाराष्ट्र में अब सीबीआई जांच के लिए लेनी होगी राज्य सरकार की इजाजत, उद्धव सरकार ने केंद्र सरकार के साथ करार खत्म किया, सीबीआई को किसी भी केस की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग की इजाजत लेनी होगी। यूपी के गाजियाबाद में 50 वाल्मीकि परिवारों के धर्म परिवर्तन का मामला गरमाया, बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर बोले धर्म परिवर्तन के लिए पाकिस्तान से आया है पैसा। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज, दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा ताहिर ने प्रभाव का इस्तेमाल कर दंगा भड़काने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर पर एफआईआर करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी शिवराज सरकार, बोले बिहार में हर रोज रैली हो रही है तो एमपी में क्यों नहीं हो सकती। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने प्रचार अभियान का आगाज किया, बुलंदशहर और फिरोजाबाद में की चुनावी रैली। तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी का बड़ा ऐलान, बोले तमिलनाडु की जनता को फ्री में मिलेगी कोरोना वैक्सीन, तमिलनाडु में अब तक 7 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लद्दाख में ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए वोटिंग की गई, बीजेपी कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी भी आजमा रही है किस्मत, लद्दाख में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 27 अक्टूबर को भारत अमेरिका की बड़ी बैठक, अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आएंगे, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत।